अन्य दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। अभी जो विषय लेकर के हम आए हैं और है इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी एंड फॉर्मिलियर यानी नीति। क्या नीति है, क्या नियम और कानून है, क्या क्या प्रोविजंस है, प्रोविजंस मीन्स क्या क्या उनके लिए सुविधाएं हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले बता दूँ आपको दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षा और पुनर्वास माध्यम, उसकी सुरक्षा के लिए क्या करना है। दिव्यांग लोग हैं, सबसे पहले तो घर से निकलने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोग का कहेगा वो जन्म का पाप है, कैसा कर्म किया बच्चा ऐसा हो गया। तो समाज में थोड़ा सा हिंभावना जो है घर में उनमें आता है। यह जो है आपका राष्ट्रीय नीति जो है, यह आपका सामाजिक न्याय अधिकार मंत्रालय के तहत आपका 10 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। जब लागू किया गया था 10 फरवरी 2006 को याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। एक नंबर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, कब राष्ट्रीय नीति जो है दिव्यांगजनों के लिए कब लागू किया गया, तो 10 फरवरी 2006, इसको याद कर लिए एकदम आता है। इनके लिए स्वतंत्रता, बैलेंस एनवायरमेंट या जो समाज बच्चों को सुविधाएं मिलती है इनको सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए इस नीति में, राष्ट्रीय नीति में प्रोविजंस दिया गया था, प्रावधान दिया गया था। दैहिक पुनर्वास, इसमें एक है दैहिक पुनर्वास, दैहिक दैहिक पुनर्वास में सैनिक पुनर्वास, दैहिक पुनर्वास व्यवसायिक पुनर्वास और इसमें एक और है आपका आर्थिक पुनर्वास। आर्थिक पुनर्वास दैहिक पुनर्वास, दैहिक पुनर्वास का मतलब है कि दिव्यांगजन शारीरिक रूप से अक्षम हो गए, तो जब शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं तो उनको हम क्या क्या चीज सुविधा दे सकते हैं, मतलब क्या क्या सुविधा दे सकते हैं। क्या सर, सोई दिव्यांगजन जो शारीरिक रूप से अक्षम है तो उनको क्या क्या सुविधा दे सकते हैं। वेरी गुड, यही तो बोलना है, दिमाग नहीं लेकिन आप स्पेशल वर्ड को आप बोलिए, शिक्षा का शिक्षा ग्रहण किया है तो ऐसे हाँ सर विकलांग है तो उसको हमको शारीरिक विकलांग क्या करें, उसको ट्राइसाइकिल व्हीलचेयर है तो ये तो बोल दिया, लेकिन टेक्निकल क्या हो गया। ये जो दैहिक पुनर्वास, इसको दैहिक जो दैहिक मतलब शारीरिक शारीरिक पुनर्वास उसको हम कर रहे हैं, शारीरिक जो अच्छा है शारीरिक सुविधाएं उसको हम दे रहे हैं। प्रोविजंस माने प्रोविजंस क्या होता है, प्रावधान, तो सरकार उसको भी मुहैया कराएगा, क्या कराएगा, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, हियरिंग एंड ब्लाइंड, गोबल से पीटीसी। इसके बाद व्यवसायिक पुनर्वास है ना, व्यवसायिक पुनर्वास में क्या है कि दिव्यांग जन को भी समाज के समान लोगों के साथ जोड़ना है, तो उनको भी जीवन जीने के लायक बनाना है। तो जीवन जीने के लायक बनाने के लिए हमें क्या करना है कि उसको व्यवसायिक प्रशिक्षण देना है, जो माइंड और आपके बॉर्डर लाइन होते हैं वो ट्रेनिंग प्राप्त करके जीवन जीने लायक बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उनको हम व्यवसायिक प्रशिक्षण देते हैं, जैसे कंप्यूटर चलाना हुआ, टाइपिंग करना हुआ, या फिर कोई एक किसी खाते ताकि दूसरा कमा के जीवन को चला सके। आप भाई हैं, बाप हैं, माँ हैं, बुजा हैं, आप बच्चे को देख लीजिए, लाइन माँ बाप का उस बच्चे का कौन हुआ कौन है अंदर, भाई अपने भाई को देखेगा हो जाए बेटा हो जाए तब क्या होगा। अगर वो बच्चा कुछ अपने लाइन कर रहा है, कुछ कमा खा रहा है, तो वो लोग सोचेगा चलो ये जितना कमाता है उतना
जमाना कैसा है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। सरकार तो रांची में बिल्डिंग बैठती है, सरकार थोड़े अगर घर बैठी है। आपके द्वारा सरकार आई, आपके द्वारा सारा काम हो गया है, ठीक है, लेकिन सबसे आपके द्वारा थोड़े सरकार बने, तो इसके लिए तो आपको मतलब व्यस्त करना हो, एक्सरसाइज करना होगा, आगे विकास करने के। इसके बाद आर्थिक पुनर्वास, आर्थिक वास मतलब दिव्यांगजनों को देखो सरकार क्या लेकर बनाई है। हमारी झारखंड सरकार की शिकायत नहीं है, चलो इतना तो कर रही है। बिहार सरकार तो 1000 भी नहीं देती है, 600 भी कितना देती है। अभी हमारा झारखंड सरकार भाई जोहार है सलाम है, 1000 देती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आर्थिक प्रवास के लिए दिव्यांगजनों के लिए 1000 तो बहुत ज़्यादा नहीं, क्या होगा 1000। अगर कोई गरीब दिव्यांग बचा है, अगर उसको 1000 दी देगा तो क्या ठीक है, उसको 5 किलो चावल देते हैं तो क्या 1000 का तेल नून मसाला हो जाएगा? हमको नहीं लगता है, कम से कम 2000-2500 को 3000 तक। हाँ, तो एक व्यक्ति दिव्यांग नहीं कुछ करेगा तो पेट भर सकता है, पेट भर सकता है। आर्थिक क्या आपने सोचा है, कम से कम दिव्यांग को 3000 होना चाहिए, उससे क्या होगा कि बेचारा अपना पेट तो भर सकता है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी, बाकी चावल सरकार दे देती है। लेकिन 1000 सरकार दे करके नीति स्वीकार किया कि हम दिव्यांग गरीब को कर रहे हैं, ठीक है नहीं है, तो सरकार उसमें क्या शिक्षा नीति बनाई है कि उसको नौकरी में जोड़ना, जो बेरोजगार है उसको कुछ अनुदान देना। अभी नया नया देखिए आ गया है, हर राज्य में बन गया है आपका राष्ट्रीय दिव्यांगजन निधि, जानिए आप राष्ट्रीय दिव्यांगजन राज्य दिव्यांगजन निधि, तो राज्य दिव्यांगजन निधि में जो अनाथ दिव्यांग है जिसका कोई नहीं है तो अनुदान स्वरूप ऐसे फ्री में एक लाख रुपये देने का प्रावधान है, क्योंकि कुछ कसता है 1 लाख रुपये मदद करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मिलता कहाँ, राष्ट्रीय दिव्यांगजन निधि वहां से गई। लेकिन ये सब सुविधाएं सब है, लेकिन ये सब ब्लैक है भाई। सबसे बड़ी विधानना है कि आप दिव्यांग तो आप इसको सुनाइए, आपका सुनने वाला नहीं, हमारा राज्य दिव्यांग 3 साल सुनिए, न बिहार में न झारखंड में और न भारत सरकार में है, कौन है सब चार में, किसी को चार दे दिया गया, अब उनको चार दिया गया है बिल्कुल डिसेबल सेक्टर का एडिशनल मार्क। आगे सुनने से क्या होगा, आप आई सर क्या सभी सेक्टर की सभी जानकारी आपको है नहीं, आपको एडमिशन हाउ यू एडमिनिस्ट्रेट द पीपल्स इसके बारे में आपको जानकारी है, आपको डिसेबल सेक्टर की जानकारी थोड़ी, तो इसलिए डिसेबल सेक्टर खुद डिसेबल है। क्यों डिसेबल है, क्योंकि ना राज्य में राज्य नियम तक ना सेंटर में सीसीटीवी, आप वहां लिख जाइए कहा सरकार 1000 दे के आपको बंद कर दे, चलो 1000 दिया तो ये कहीं से ठीक नहीं है। हमारा जो क्या है राष्ट्रीय आपका दिव्यांग नीति जो 2014 में बना है कि भाई इसको जो है आप दैनिक प्रवास करिए, मैं दिनचर्या से करिए, जरूरत की चीज उसको आप उसके बाद व्यवसाय उसको रोजगार करता है तो दिव्यांग निधि से फंड दीजिए ताकि कुछ रोजगार कर सके। उसके बाद जो है आपको आर्थिक नीति है कि अगर एकदम दिव्यांग है तो माइंड और परफॉर्म है गंभीर है गंभीर है सीवियर है तो उसको आप कम से कम अनुदान दीजिए ताकि अपना फिर ये तो जरूरी है, आगे कुछ नहीं करेगा, रहने के लिए सेहत चाहिए, कपड़ा उसके पहले आधार कार्ड कौन कार्ड इसके बाद दिव्यांग बालक के लिए उसकी विशिष्टता उसकी अच्छाई को समझ करके उसको ट्रेनिंग दी ताकि वो आगे विकास कर सके और जीवन में समान जीवन जो बन सके। दिव्यांग महिला उसके लिए भी इस नीति को बनाया गया है, क्या बनाया गया है कि जो समान जीवन को सुविधा मिलेगी वह सुविधा चाहे महिला हो या पुरुष हो सभी को सुविधाएं होनी चाहिए। टॉयलेट भी है तो अगर बिजली टॉयलेट
मेरे पास है। अगर कुर्सी भी चढ़ नहीं सकता है तो उसके लिए रैंक होना चाहिए। हमारा तो ग्राउंड फ्लोर पर है इसलिए हमें तो कोई रैंक की आवश्यकता नहीं। आज कल देखते हैं जब इलेक्शन होता है वोटिंग होता है तो वहाँ पर भी रैंक हर जगह रैंक बनवा दिया गया। लेकिन कई एक रैंक जाकर देखिएगा तो ऐसा रैंक बना देगा कि दिव्यांग उस पर चढ़ ही नहीं सकता, एकदम डायरेक्ट हाई कर देंगे। तो इसके लिए क्या है जो बनवाया है वो दोषी है। क्यों? क्योंकि वह डिसेबिलिटी का स्पेशलिस्ट नहीं है। लेकिन इंजीनियर होगा वो बात को समझेगा कि कैसा बनना चाहिए। तो कहीं नहीं गलत है, मैं तो देखता हूँ, मैं बोल देता हूँ भाई अब करो काम, लेकिन ये ठीक नहीं है, इस पर रैंक ठीक नहीं है। रैंक मतलब दिव्यांग व्हील चेयर कैपेसिटी के द्वारा वो आराम से चल सके। और हर बूथ पर एक एक व्हील चेयर रहता है और एक एक असिस्टेंट दिया जाता है सरकार की तरफ से कि दिव्यांग मिलाकर वोटे और वो ट्रेन होता है। ये सर्वेक्षण तो होगा ना ट्रेनिंग सर कि मतलब वो जो लैब जो बोल रहे हैं हाँ स्लिपिंग उसको बोलते हैं रैंप जो है जानने के लिए तो हाँ कितने लेके तो होना चाहिए वो भी तो होगा हाँ वो भी नहीं उसका लेकिन लोग करता है ना जनरल को कुछ बना दिया सरकार का आदेश है कर लो अब होता है कि दिव्यांग को चढ़ने में दिक्कत होती है चलिए बस आपका नहीं बना बना तो वह ऐसा है आपको चलेगा थोड़ा सर्विस करेगा तो कुछ क्या करते फिर बता तो ये कितना लेके का होना चाहिए वो प्रोविडेंट है उसको जितना तक भी व्हील चेयर को चढ़ा सके। जैसे स्पीड ब्रेकर होता है तो स्पीड ब्रेकर कितना होना चाहिए स्पीड ब्रेकर कोई ही लोग होता है डायरेक्ट नहीं होना चाहिए माने हाँ माने स्लोली हाई एंड डाउन। तो उसी तरह से रैंक भी होना चाहिए डायरेक्टली नहीं स्लोली स्लोली एंड देन डाउन ताकि वो आराम से चढ़ सके अपनी रैंक। लेकिन यहाँ तो करता क्या वो डायरेक्टली जैसे है ना तो बस ऐसा ही कर देता है। लेकिन ये नहीं होना उसे क्या होना चाहिए यहाँ से ही मुल्क धीरे 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 ताकि वो चल सके चलता है ये चीज। इसके बाद में आगे है आपका आवास की सुविधा। मैं देखता हूँ मुख्यमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना तो दिव्यांगजनों को भी सरकार ने आवास योजना दी है और उसको पहले प्रति दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना है ना कोई दिव्यांग है पहले उसको मिले तो इनके लिए भी आवास योजना है। इसके साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र की योजना है कि इन लोगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र आप दिए। जब आठ जब तक दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं दीजिएगा तो सरकार कैसे समझे कि दिव्यांग है और नहीं। हाँ इसके लिए मेडिकल बोर्ड है अभी नया नया हम लोग आ गया है यूपीआई यूनिक डिजिटल आईडी। यूनिक डिजिटल क्या है भारत सरकार ने रजिस्टर्ड हो गई जैसे आधार कार्ड है उसी तरह से दिव्यांग लोगों का एक पहचान है सरकार उसी के आधार पर बनाती है। क्या बनाती है अपना कार्यक्रम हमारे देश में इतने दिव्यांग हैं सो दैट अभी जरूरी कर दिया गया है यूपीआई और ऑनलाइन डिसेबिलिटी प्रमाण पत्र ये सब चीज आप लोग इस चल रहे हैं। करंट करंट शीट जो आया है ये बुक में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि बुक पुरानी है करंट इधर दो तीन साल में जो आया और बुक में यूपीआई नहीं मिलने वाला है। इसके बाद है सामाजिक सुरक्षा इसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी। अब सामाजिक सुरक्षा क्या है तो सामाजिक सुरक्षा के लिए है कि जैसे आपको अब कंबल बांटा जा रहा है ठंड में अलावा जलाया जा रहा है तो यह कार्यक्रम कहाँ से हो रहा है DSS इसको क्या बोलते हैं DSS जान भाई इसे बुक नहीं मिलेगा DSS डिस्ट्रिक्ट सामाजिक सुरक्षा DSS जिला सामाजिक सुरक्षा का डिस्ट्रिक्ट सोशल सिक्योरिटी हाँ सोशल डिस्ट्रिक्ट सोशल हाँ बुक नहीं मिलेगा मिलेगा लेकिन दूसरे बुक में हमारे बुक में नहीं मिलेगा ठीक है लिख लेते हैं। तो इसका काम क्या है सोशल सिक्योरिटी जो दिव्यांग है और उसको दिव्यांग है ठंड में है उसको कोई देख रेख करने तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसको कंबल देना उसका अलावा व्यवस्था करना उसको राशन व्यवस्था कराना तो ये सारी चीजें जो मैं बोला वो किसमें आ जाता है सोशल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा। बहुत अच्छा है मैं वीडियो बनाता हूँ आप नहीं समझते वीडियो देखिए
आगे है गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देना, राज्य सरकार भारत सरकार ऐसी संस्थाएं जो दिव्यांग के कार्य करती है तो उसको अनुदान देती है, जो अच्छा कार्य करती है उसको सरकार भी पैसा देती है, पैसा ऐसे देती है कि दिव्यांग को थोड़ा हल्का हो सके, तो 90% सरकार अनुदान देती है, जो खर्चा होता है सरकार वहन करती है ताकि ये लोग भी अपना जीवन जी सके। ऐसी कई संस्थाएं हैं जो अच्छा तरह से कार्य कर रही है। बाधा रहित वातावरण, बाधा रहित वातावरण बैरियर फ्री एनवायरमेंट, देखो एक उदाहरण बैरियर फ्री एनवायरमेंट, देखो बैरियर फ्री एनवायरमेंट, ऐसे बच्चों का वातावरण कैसा होना चाहिए, बैरियर फ्री बाधा मुक्त। जैसे कोई बच्चा स्कूल गया है दिव्यांग है और उसको आप दो तल्ला पर चढ़ा रहे हैं तो क्या संभव है, नहीं। तो उसके लिए बाधा रहित होना चाहिए, रैंप हो बाथरूम हो तो वहां भी रैंप की सुविधा हो, रैंप नहीं हो तो कम से कम बाथरूम ग्राउंड फ्लोर हो ताकि बच्चे सहूलियत पर जा सके। उसके बाद अनुसंधान रिसर्च, देखिए कई ऐसे नए नए उपकरण का रिसर्च हो रहे हैं, जैसे अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री हमारे ने बहुत लोगों को इकोलिया प्लांटेशन कराया है, कौन सा प्लांटेशन, वो क्या करता है बुक में पढ़ते हैं बुक है, वो क्या है कि जो बच्चे नहीं सुनते हैं, जो बच्चे वो नहीं सुनते हैं तो उनके लिए एक इकोलिया प्लांटेशन होता है जो मंकी का ईयर से निकाल कर उसमें शिफ्ट किया जाता है, हो सकता है कि वह अगर स्ट्रिक्ट हो गया तो आप पूर्ण रूप में सुनने लगे, मेन मेमोरी नहीं हो सकता। तो इसके लिए सरकार जो है गरीब युवाओं को मतलब फ्री 5-6 लाख रुपए का काम फ्री कराती है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो कराया अभी एक वस्तु अभी भी है वो योजना बहुत लोग कराया है, लेकिन उसमें चांसेस है मोर देन 80% हो जाता है, हो जाता है और 20% नहीं होता है, कितने फेल भी हो जाते हैं। तो मैं इसलिए कहा हूँ कि शिकायत और बढ़ाया का ध्यान मत देना, क्यों शिकायत में कुछ नहीं, आपका काम कर दिया बढ़ाया हो गया, आपको करना नहीं चाहिए शिकायत, तो सब कुछ नहीं है, वो सब शिकायत बढ़ाए से परे रहो, बस कर्म किए जा रहे भाई कर्म किए जा रहे, हम भी चिंता ना करो। गाँव में हमारे चाची थी आए तो आप बहुत दिन से जाते जो कर रहे हैं हल्ला, हम मेरे चाची चले गए थे दीदी के गाँव मैंने बनो क्या चले ये लोग तो नहीं हमारा वापिस आ जाता है, इतना प्रेम से बोलने का क्या था आटा निशान, हमारे आया था गाँव में कोई कुछ कहा था तो कह देते सही, ये बड़ी अच्छा बात थी, बहुत अच्छा लगा, ये वो भजाई लगती थी तो मिली थी दीदी, तो अपने बात चावल चावल था ना ले जा और साउथ के यहाँ से बीड़ी ले आ बीड़ी समझे, उनका नाम उनका नाम ये हमारे दिल बड़ी अच्छा एक बात की बात है, हमारे चाचा थे तो क्या बोले कि बाबू से 10 किलो का ही है ये एक रात हमें लोग का नाप लेके चाचा बाबू से हमारा से नहीं थे बुढ़े थे अब नहीं लाए तो बहुत बदमाश है, तो हम समझ गए वो काम कर दो तो अच्छा है नहीं कि तो बदमाश है, तो हम समझा रहे उसको अच्छा करा को नहीं है, जिसका किया उसका अच्छा जिसका नहीं किया उसका इस सब से प्रेम हो जाओ साधु संत में क्या होता है, वैसे ही अच्छा खराब को छोड़ कर अपने कर्म में लगता है, कर्म ही तुमको सब कुछ दिला सकता है, बाकी अच्छा खराब बुरा भला कुछ नहीं हमारा समझते हैं। देखिए हम फिर बाहर आ रहे हैं बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, हाय हंसते हो ना गलत बोल रहे हैं नहीं चावल वाले बात हाँ माने काम कराने का तरीका है, हम नहीं काम के तो खराब हुए का है भाई, माने बेरोजगार है हमारे पढ़ने का नहीं है क्या, हमारा कुछ काम नहीं है क्या, आपको नहीं पढ़ने का मन है मन या पढ़ने शुरू किया है माने स्पेशल एजुकेशन किताब पढ़ने का शुरू किया, रामायण पढ़ो गीता पढ़ो श्रीमद भागवत पढ़ो देवद भागवत पढ़ो कुरान पढ़ो कितना करता है, अरे ज्ञान कहीं से लेना है नहीं क्या लेना, तो आपको ज्ञान कहीं से मिल सकता है और ज्ञान तो कहीं से मिल सकता है, क्या हिस्ट्री का स्पेशल क्या है हमारा धर्म नहीं है क्या, हमारे संविधान का धर्म नहीं है क्या, इसलिए
ज्ञान के लिए भटकते रहो कहीं से जाते रहो, मस्त रहो व्यस्त रहो, मस्त रहो व्यस्त रहो, ताकि लोगों को कुछ कहने का मौका न मिले। हम तल्लीन है अपने काम, और आप टाइटलर ने कहा था कि जो जैसा करता है सोचता वैसा बन जाता है, तो जैसा करोगे सोचो वैसा बन जाओगे। आगे है आपका माता पिता के स्तर संबंधी सूचना है, यानी तेरहवीं सरकार नीति लाई है कि जो जैसे माता पिता है आप, अगर आपका बच्चा विज्ञान है तो इस बच्चे के नाम से आप लोन ले सकते हैं, और लोन लेकर के आप कुछ कर सकते हैं। अभी NHMDC हमारा है नेशनल हैंडीकैप अनफर कार्पोरेशन, अभी देखिए आपकी अनाथ दिव्यांग बच्ची सुनकर गई है सूरत, आप न्यूज लगाए हैं हाँ, तो सूरत गई है वो, तो उसका दो हो गया है, तीसरा गई है, दो आप बोलेगा तो सरकार उसको 5 लाख लोन प्रोवाइड कराएगी काम करने के लिए, और वो सारा सरकार के खर्च पर है, वो प्रेरण हवाई जहाज ट्रेन अपने सब सरकार का। हाँ सरकार का यह है कि सरकार 3 महीना बाद पहले हमको लगाना पड़ता है, लेकिन सरकार देती है। तो एक प्रोविजन है कि जो गार्जियन चुके हैं आर्थिक कमजोर हैं, तो उनको भी सरकार कहते हैं कि आप अपने बच्चे के नाम पर बच्चा को जीवन देख रेख के लिए आप यह आश्रम कर सकते हैं, लेकिन लोगों को करवाना पड़ेगा, लेकिन बहुत कम है 3%। इसके बाद है क्या कि अन्य एक्ट अदर्स एक्ट, अदर्स एक्ट बहुत बड़ा है लेकिन दो तीन हम बता देते हैं, अदर्स एक्ट बहुत बड़ा है, अदर्स अदर्स एक्ट जैसे तुम जानते भी हो RCI एक्ट है ना, नेशनल ट्रस्ट एक्ट है ना, इसके बाद PWD एक्ट है ना, इसके बाद RPWD एक्ट, इसके बाद UNCRPD एक्ट है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्ट मैंने चर्चा कर दिया। अब संक्षिप्त क्या को हम बता देते हैं, राष्ट्रीय नीति 2006 सामने है, RPWD आप लोगों को मालूम है दिसंबर 2016 PWD 1995 RPWD सामने देखिए इसको लिखी जाएगी। इस बार आपसे एक मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में जहां से आप प्रशिक्षण पा रहे हैं, दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने के लिए सरकार आप लोगों को तैयार कर रही है। इस बार नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 जो खास करके चार तरह के दिव्यांगजनों को लिए देख रेख करती है, और उसके लिए लीगल गार्जियन शीघ्र साथ ही साथ सरकार जो है उसके लिए फंड भी प्रोविजन कराती है देख रेख के लिए, और उसको जो भी सुविधाएं बेसिक चाहिए पढ़ने का और लोन का वो सारा सुविधा राष्ट्रीय न्यास मिशन द्वारा भी दिया जाता है, तो अवार्ड करती है ठीक है, और चार तरह के दिव्यांग को देखती है जो आप जानते हैं बताइए, तो आप ही बताइए ना, हाँ साफ बताइए, चार प्रकार चार प्रकार के दिव्यांग का देख होता है कौन कौन है बताओ आप ना, उसमें से ब्लाइंडनेस चुप अरे सीपी ऑटिस्टिक आईडी एंड मल्टीपल डिसेबल चार प्रकार मैं समझ रहा हूँ आप जानती हूँ, मैं उनसे पूछ रहा हूँ भाई ये बहुत छोटी चीज है इस पर एकदम याद होना चाहिए, राष्ट्रीय न्यास ने चार तरह के दिव्यांगजनों का लिए दिया दिया गया है, क्यों लिया गया है क्योंकि राष्ट्रीय न्यास जो है वह आपका जो है वो एक चार तरह के दिव्यांग का वो सुधारना ट्रेनिंग देना बहुत कठिन होता है, सीपी ऑटिस्टिक एमबी आईडी एमबी ग्रुप ऑफ एमडी का हां मल्टीपल डिसेबल हां थैंक यू। इसके साथ आज का वीडियो सर ये जो चार आप बताए ना तो ये